जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा करते चले आ रहे हैं कि ग्रहों के जनरल रेमेडीज़ और ग्रहों की जनरल प्रॉब्लम्स जो आम इंसान के जीवन में जुड़ी होती हैं, वो ये जनरल उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाने में ये उपाय उनके मददगार सिद्ध हो सकते हैं। हमने शनिदेव तक सारे ग्रहों की बात की। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करता हूँ हमारे शनिदेव जो न्याय के देवता हैं उन्हीं की परछाई जो माना जाता है राहु देवता। प्रिय दर्शकों, हमारे ऑर्बिट के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट, हमारे ऑर्बिट के सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाले ग्रह, क्योंकि ये शनिदेव की परछाई माने जाते हैं और इनमें क्रूरता शनिदेव से भी कई गुना आगे है। इस ग्रह को अनसर्टेनिटी का ग्रह माना जाता है। ये रातों रात अच्छा करने वाला या रातों रात बुरा देव ग्रह करने वाला देवता माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारी समाज में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उन सब का कारक ग्रह अगर कहीं कंसिडर होता है तो वो राहु देवता ही होते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने इन्फेक्शंस डिजीज होते हैं, जिन भी चीज़ों की इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को होती है, उन सब के कारक ग्रह माने जाते हैं राहु देवता। चाहे वो पेट में हो, चाहे छाती में हो, चाहे आँखों में, जो भी चीज़ इन्फेक्टेड होगी उसका रोल कहीं ना कहीं राहु से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि राहु ही हर इन्फेक्शन का कारक ग्रह माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारा समाज जितना अच्छा है लेकिन उसको बिगाड़ने वाले अगर ग्रह को कंसीडर किया जाए तो सबसे ज़्यादा राहु देव का रोल आता है। हाँ, ये कुंडली टू कुंडली अलग वेरिएबल हो सकता है। किसी की कुंडली में ये करोड़पति बनाने का रोल प्ले करते हैं, किसी की कुंडली में ये रोड पे लाने का रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमारी 90% प्रॉब्लम्स के कारण बनते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर में लिखा जाता है कि राहु इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट प्लैनेट फॉर इन्फेक्शंस, फॉर डिजीजेस, लंबी बीमारियों का कारक। प्रिय दर्शकों, अगर हमारे शरीर में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन का कारण राहु देव बने तो उसका हम उपाय क्या कर सकते हैं? हम सिंपल, जितने भी विकलांग हों, जितने भी वृद्धाश्रम में बुजुर्ग हों, जितने भी डफ एंड डम स्कूल के बच्चे हों, उनके लिए जो अपनी यथाशक्ति अनुसार हम दान दे पाए, वो राहु के पाप प्रभाव को कम करने का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। प्रिय दर्शकों, फिजिकली चैलेंज पर्सन को कुछ भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उसकी मदद करते हो तो उससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में जितनी भी ड्रग एडिक्शंस, जितनी भी स्मोकिंग की आदतें होती हैं, जितने भी नशा करने वाले होते हैं, ये सारे जुआ खेलने वाले, ये सारे के सारे राहु देवता के अंडर आते हैं, क्योंकि समाज इनको कभी अप्रूवल नहीं देता, कभी एक्सेप्टेंस नहीं देता। ये सारी एक्टिविटीज समाज में इलीगल एक्टिविटीज मानी जाती हैं, चोरी, ठगी, डकैती, लूटमार, ये सब राहु देवता के अंडर आती हैं। तो राहु देवता के अगर पाप प्रभाव से आपको बचना है, और सबसे बड़ी बात, लोग इसी के नाम से पितृदोष कहकर डराते हैं, जबकि पितृदोष नामक शब्द ही नहीं है शास्त्रों में, शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना, अपने आप क्रिएट कर लिया, अपने आप बना लिया, ये एक अलग धारणा है, गलत धारणा है। राहु देवता सबसे बड़ा, उससे बचने का रास्ता, जो अपनी यथाशक्ति अनुसार दान कर सकें वो करें। वो विकलांगों की सेवा करके भी कर सकते हैं, रोज शनिदेव के मंदिर जाकर माथा टेक करके भी आप उनका पाप प्रभाव कम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है राहु का मंदिर देवता का बहुत कम जगह बना हो, लेकिन शनिदेव का मंदिर हर जगह मिल जाएगा। और शनिदेव का भी मंदिर न मिले
तो बजरंग बली के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली को भी यह वरदान प्राप्त है कि जो उनकी पूजा उपासना करेगा, जो उनके आगे माथा टेक करेगा, माथा टेक करके प्रणाम प्रार्थना करके उनकी ब्लेसिंग्स लेगा, उससे भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव कम होगा और आपका जीवन जीने लायक बनेगा। और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, इनका गोचर में एक राशि में भ्रमण 1.5 साल तक 18 महीने तक रहता है, और ये बहुत लंबा अरसा होता है प्रिय दर्शकों, 18 महीने का ही पीरियड और 18 साल की ही महादशा। अगर किसी की राहु की खराब महादशा चलती है तो वो बहुत लंबा समय चलती है। हालांकि ठीक है, अंतर दशाएं उसके बीच में अगर अच्छी आती हैं तो रिजल्ट जीने लायक बनता है, लेकिन महादशा अगर आपकी अति खराब चल रही हो तो आप उसके सिंपल रेमेडीज करके भी अपनी यथाशक्ति अनुसार करके राहु का पाप प्रभाव कम कर सकते हैं। राहु देवता तरंगों को कहा जाता है प्रिय दर्शकों। आज की डेट में मोबाइल सबसे बड़ा राहु होता है जो हर एक के हाथ में पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण हमारा मोबाइल। अब ये तो अलग बात है कि हम मोबाइल छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के साथ चलना पड़ता है, लेकिन ये तरंगों से चलता है प्रिय दर्शकों, इसीलिए इसको साक्षात राहु कहा जाता है। आप देखिएगा कि कितने लोग एंगेजमेंट के बाद, मैरिज के बाद जब प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो इसी वजह से होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो जाता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु साक्षात मोबाइल है। हर जातक के हाथ में आप पकड़ा देखोगे, वो तरंगों से चलता है। राहु का प्रभाव हम हमेशा अपने पास रखते हैं तो प्रॉब्लम्स को आमंत्रण देने वाली बात हो जाती है, लेकिन अब इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के साथ चलना पड़ता है। तो इससे शांति का रास्ता अवश्य ढूंढिए, जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी विकलांग को, किसी भी वृद्धाश्रम में, किसी भी फिजिकली चैलेंज इंस्टीट्यूशन में, जो भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान दे पाए, जो भी उनकी मदद कर पाए, वो आपके राहु का पाप प्रभाव कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाएगा प्रिय दर्शकों। आगे इसी श्रृंखला में बात करता हूं प्रिय दर्शकों, केतु देवता की, जो राहु देवता की ही टेल माना जाता है। केतु देवता हमारे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, जिसको हम ग्रीस भी लोग कई लोग बोल देते हैं, वो केतु देवता होता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपके ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप केतु देवता को प्रसन्न कीजिए। केतु देवता नानका परिवार है, अगर नानके परिवार से आपकी कोई खटपट रह रही हो तो प्रिय दर्शकों, इनको प्रसन्न करने के लिए आप कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि कुत्ता केतु देवता का ही रिप्रेजेंटेटिव माना है शास्त्रों ने। दूध पिला दीजिए, ब्रेड खिला दीजिए, बंद खिला दीजिए, बिस्कुट खिला दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसकी सेवा करने से केतु देवता की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ न करना चाहें, मंदिर जाके कुछ करना चाहें, तो गणेश जी जो केतु देवता के आराध्य देव माने जाते हैं, गणेश जी को भोग लगाना, हर बुधवार को उनको भोग लगाने से भी केतु देव शांत होते हैं, मंगलवार को भी भोग लगाएंगे तब भी केतु देव शांत होते हैं, क्योंकि गणपति जी की आराधना करने से केतु देवता की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। केतु देवता हमारे ऑर्बिट का बहुत ज़्यादा मेजर और मेन प्लैनेट, वो इसलिए क्योंकि इंसान खड़ा होता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी के बलबूते पे खड़ा होता है। अगर किसी को लंबे समय से कमर दर्द चला आ रहा हो, अगर किसी के जॉइंट्स में बार बार प्रॉब्लम्स आती हो, उसकी फ्लूइड्स में दिक्कत परेशानियों का कारण बनता है, तो केतु देवता के सिंपल रेमेडीज, ये जो भी जनरली मैंने बताए, वो कर सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात ख्याल रखिएगा, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे एपिसोड्स में कहा है, किसी भी जातक को कभी भी न तो राहु देवता का स्टोन रिकमेंडेड होता है, न ही केतु देवता का स्टोन रिकमेंडेड होता है, किसी जातक को नहीं होता। फिर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर अगर राहु देवता का गुमेद और केतु देवता का कैटसाई किसी ने पहनना ही नहीं है तो ये फिर बना क्यों है? जब ये हर एक प्राणी के लिए नुकसान ही देता है, ये बीमारियों का, डिजीज का, समाज में इलीगल एक्टिविटीज का सबसे बड़ा कारक है, राहु की तरह केतु भी डिजीज का कारक है प्रिय दर्शकों, तो फिर ये स्टोन बने क्यों हैं जब किसी को पहनने ही नहीं है? तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके बताता हूं भैया, बनी तो समाज में सिगरेट भी है,
बनी समाज में शराब भी है, गांजा अफीम चरस भी बनी हुई है, जो कभी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। शराब की बोतल खरीद लाइए, ऊपर लिखा मिलेगा ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। 20 रुपए का सिगरेट का पैकेट ले लीजिए, उस पर लिखा मिलेगा स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं, पीते हैं, और किसी मोहल्ले के नुक्कड़ में चले जाइए, इसकी दुकान इजीली आपको मिलेगी। क्यों फिर क्यों बनती है और क्यों पीते हैं जब हर एक के लिए ये नेगेटिव है? कोई एक जातक बता दे कि हाँ जी सिगरेट पीने से उसका फायदा होगा? नहीं होगा। ना धर्म इसकी इजाजत देता है, ना डॉक्टर इसकी इजाजत देता है, ना आपका शरीर इसकी इजाजत देता है, लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं और अपने आप को गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। तो फिर ये स्टोन पहनकर अपने आप को बीमारियों के हवाले क्यों करना? ये बात सदैव प्रिय दर्शकों स्मरण रखिएगा, किसी जातक को भी समाज में गोमेद नहीं पहनना चाहिए। और ये बात शास्त्र सम्मत है, क्योंकि हर डिजीज का कारक, हर डिले का कारक, हर प्रॉब्लम का कारक, हर समाज की इल्लीगल एक्टिविटीज का कारक राहु देवता है, हर इन्फेक्शन का कारक राहु देवता है। अगर वैसे भी उसको चांदी में पहना दिया जाता है, चंद्रमा राहु का ग्रहण आपने अपने ऊपर लगा लिया, तो जिंदगी लॉन्ग रन में जैसे जैसे बॉडी उसकी एनर्जी गेन करती जाती है, साल दो साल बाद इंसान की हेल्थ को बहुत बुरा असर होता है इस चीज का। तो आप सबसे निवेदन, और ये बात शास्त्र सम्मत है कि हर डिजीज का कारक, अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो हर डिजीज और हर इन्फेक्शन का कारक राहु देव और केतु देव को माना गया है, क्योंकि ये शेडो प्लैनेट्स हैं। इनका रतन पहनना बीमारियों को आमंत्रण देना है। इनके सिंपल सिंपल आप रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे आपका जीवन जीने लायक बने। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी देता हुआ आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारी अब डीवीडीज नहीं आती हैं। प्रिय दर्शकों, हमने जितनी भी विद्या के बेसिक एपिसोड्स थे 1000 से प्लस हो चुके हैं, वो सारे के सारे हमने यूट्यूब पर ही डाल दिए हैं। आप राजेश जोशी नाम फीड कर प्रॉपर चैनल खोल करके सारे के सारे एपिसोड्स देख करके इस विद्या का सही दिशा लेकर के इसको ग्रहण कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको ये भी बता दूं कि राहु केतु देवता का स्टोन पहनना सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रह ही पापी ग्रहों में आते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा क्रूरता मानी जाती है और ये सबसे ज़्यादा सेपरेटिव टेंडेंसीज अपने अंदर रखते हैं और लॉन्ग रन में ये हर जातक के लिए बीमारियों का कारण बनते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इन रत्नों का त्याग कीजिए, कभी भी इन रत्नों को धारण मत कीजिए। ये धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि इनके कारकत्व की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। और केतु देवता तो ऐसे स्टोन है जो जातक को मोक्ष प्राप्ति के लिए ले जाते हैं, तो ऐसा जातक दीन दुनिया छोड़ने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।